प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए शिलांग पूरी तरह से तैयार। पूर्वोत्तर परिषद के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करने के अलावा कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मोदी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विकास पर्व कार्यक्रम के तहत भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अन्य केंद्रीय मंत्री आज होंगे जनता से रूबरू। एनडीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से कराएंगे अवगत। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज दूसरी बार लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली की उपस्थित रहने की उम्मीद। सरकारी डॉक्टरों को सरकार का बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री ने की सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की आयु 65 साल करने की घोषणा। सहारनपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने हर महीने कम से कम एक दिन गरीब वृद्ध महिला के मुफ्त इलाज का किया आह्वान। अपनी चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा, आतंकवाद और परमाणु मसलों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगांव में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। 3 आतंकियों को किया ढेर, छिपे हुए 2 आतंकियों की खोज जारी। दक्षिण कश्मीर में ग्रेनेड हमले में 1 जवान घायल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीते 2 सालों में सरकार ने उग्रवादियों और आतंकवादियों का मनोबल तोड़ने का किया सफल प्रयास। गृह मंत्री ने कहा सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं में 52% तक की कमी आई। हरियाणा सरकार द्वारा जाटों को दिए गए आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने किया जादुई आंकड़ा पार। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से होंगे अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। फ्रांस में नए श्रम कानूनों के खिलाफ मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल से जनजीवन अस्त व्यस्त। पेरिस में सबसे बड़ी रैली में हिंसा भड़कने से प्रदर्शनकारियों से पुलिस को ही झड़प। लीबिया के तट के पास एक जहाज के डूब जाने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 50 प्रवासियों को यूरोपीय संघ की नौसेना ने डूबने से बचाया। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा कि सीरिया संघर्ष के हल के संबंध में अभी अगले दौर की वार्ता फिलहाल 2-3 सप्ताह तक संभव नहीं। बीसीसीआई ने संजय वांगर को आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का कोच किया नियुक्त। अभय शर्मा को बनाया गया फील्डिंग कोच। फ्रेंच ओपन के मिश्रित युगल में भारत के लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा ने अपने अपने जोड़ीदार के साथ की पहले दौर की बाधा पार। पेस ने हिंगिस के साथ और सानिया ने डोगी के साथ मिलकर जीत की दर्ज। इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे क्वालिफायर में आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में गुजरात लायंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा।